हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एटीज किचन। आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं चिकन क्रिस्पी रोल, जो बहुत ही कलरफुल बनने वाला है और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनता है। खास हम इफ्तार में बनाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे से लेके बड़े तक बहुत पसंद करते हैं। तो फिर इसे हमने क्या किया है, चिकन लिया है, इसे हमने छोटा छोटा ऐसे कैंची से कट कर लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। कट करने के बाद थोड़ा सा इसमें चिकन का फैट भी था, मैंने इसमें ऐड किया है। इससे क्या आया है, अच्छा टेस्ट उभर के आता है, इसके लिए मैं डाली हूँ इसमें। और इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे हम लोग, 2 चम्मच। मसाले में लिया है हमने थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा तीखी मिर्ची है, मिर्ची पाउडर, और आधा चम्मच से कम हल्दी पाउडर और वाइट पेपर पाउडर, और थोड़ा सा तंदूरी मसाला 1 चम्मच भर के, इसे भी डाल देते हैं। और इसे हम मैरिनेट कर देते हैं 10 मिनट के लिए, क्योंकि पीसेस छोटे छोटे हैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। इसे बराबर से हम मिक्स करेंगे और इसे हम मैरिनेट कर देंगे। इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट हम बाद में यूज़ करेंगे। देखिए इसे अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे हम ढक के रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने पालक लिया है थोड़ा सा, इसे छोटा छोटा इस तरीके से कट कर लिया है, आप देख सकते हैं बारीक बारीक सा। इसे फैला देते हैं अच्छे से। यहाँ पे 2 चम्मच हम ले लेते हैं कॉर्नफ्लावर, अच्छे से भर के लेंगे। और ले लेते हैं तिल, 1 चम्मच और लेंगे हम। ये देखिए 1 चम्मच और भी डाल देते हैं और इसे बहुत ही हल्के हाथ से हम इस तरीके से मिक्स करेंगे। इसे मैश नहीं करना है और इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। अगर हम नमक डाल देंगे ना तो पालक जो है, हमारा जो वेजिटेबल है, वो पानी छोड़ देगा, और पानी भी ऐड नहीं करना है इसमें। तो चलिए हम इसे रख देते हैं। एक पैन ले लिया है उसे गर्म होने के लिए। अक्सर ब्रेड टूटने लगता है तो इस तरीके से हमने चारों साइड इसके कट कर लिए, और थोड़ा सा हम बस 5 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। इसमें हम रख देते हैं इस तरीके से। इससे क्या है, रोल करते समय ये टूटेगा नहीं और ये अच्छे से बेला भी जाएगा। अब हम इसे ढक देते हैं। चलिए देख लेते हैं, 2 मिनट हो गया है। ये देखिए एकदम बढ़िया सा गर्म हो गया है और एकदम फ्लफी हो गया है। ये देख सकते हैं आप कितना लचीला हो गया है। अब हम एक एक ब्रेड लेके इसे हम हल्का सा प्रेस कर देंगे बराबर से। स्टीम करने की वजह से बहुत ही फटाफट हो जा रहा है, इसलिए ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना पड़ रहा है। देखिए इस तरीके से एक पैन ले लेते हैं, उसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। इसमें सिर्फ 2 चम्मच जितना हम ऑयल ऐड करेंगे। इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा जाएगा, जीरा डाल देते हैं। जीरा को बिल्कुल भी काला नहीं होने देना है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन। हम मीडियम फ्लेम पर रख के ढक के रख देते हैं। फिर हम चेक करेंगे 3 से 4 मिनट के बाद। 3 मिनट हो चुका है, ये देखिए पानी छोड़ दिया है चिकन। इसे फ्लेम को हम हाई नहीं करेंगे, इसी टेम्परेचर पे ये पकेगा। यहाँ पे 2 अंडे को हम इस तरीके से मिला लेते हैं, फेंट लेते हैं अच्छे से ताकि पतला हो जाए, और इसमें हम 2 चम्मच दूध भी ऐड करेंगे। इसे बराबर से फेंट लेंगे। दूध डालने से क्या है, अंडे की स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए
चिकन पानी अपना छोड़ दिया है बराबर से। फ्रेंड्स, मैं जिंजर गार्लिक डालना भूल गई थी। आप लोग जब ट्राई करना या बनाना हमारी रेसिपी को, तो जीरे के बाद इसे डालना और थोड़ी देर इसे भून लेना। भुनने के बाद फिर चिकन डालना। देखिए, जिंजर गार्लिक डालने के बाद 2 मिनट ये ढक के हमने पकाया है। फिर इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेते हैं और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सुखा देते हैं। देखिए, 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे इसे भून लिया है और ये रेडी हो चुका है। अब हम इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। फ्लेम को कर देते हैं बंद। इस तरह से मैंने ब्रेड ले लिया है, उसमें चिकन के पीसेस रख दिए। इसमें थोड़ा सा हम चीज़ डालेंगे। किनारे पे थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे। इस तरह से बना लेंगे। साइड पे भी थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे से कवर कर देंगे। इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले हम इसे अंडे में डीप करेंगे। फिर ये पालक में अच्छे से इसको घुमा घुमा के देखिए, ऐसे इस तरह से मैंने सारे रोल को पालक की पट्टियों में लपेट के रख लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये तेल गर्म हो गया, इसके बिल्कुल हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसे हम दूसरी तरफ भी पलट लेंगे। स्लो फ्लेम पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, हो गया है एकदम से जैसा हमें चाहिए, क्रिस्पी रेड। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखो, डिलीशियस सा चिकन क्रिस्पी रोल तैयार हो चुका है। ये बहुत ही यम्मी लगता है, बच्चे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इसे, बड़े भी पसंद करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में। खुद खाएं, लोगों को खिलाएं और खुश रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।